ऋषि कुमार शंभू मोड़ निकालते हुए हमें पाइप के रास्ते से ही उतार दिया टैंक में। वो फंसा हुआ मोर, अब उसको निकालने की कोशिश करते हुए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ हिम सौरभ। आज का ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, मिनी ब्लॉग बोल सकते हो आप उसको। एक सडन जो एक इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको करके मुझे बहुत ही प्राउड सा फील हो रहा है। मेरे पापा भी थे साथ और साथ में थे शंभू भाई। जो वहाँ पे जो टैंक बना हुआ है वहाँ पे पीकॉक फंसा हुआ था, मोर जो कि जिंदा था, और से हमने अपने नेशनल बर्ड को रेस्क्यू किया। सो देखते रहिए वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मोर पानी में फंस चुका है, अभी तक जीवित है ये, देखिए मुँह हिला रहा है अभी भी। ये तो बाई चांस हम यहाँ टैंक पे आ गए तो टैंक पे देखा तो ये बेचारा जानवर यहाँ फंसा हुआ है। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाइप से जुगाड़ लगाया है। तो यहाँ शंभू भाई अभी जाएंगे नीचे पाइप से, तो देखते हैं क्या होता है। कुमार शंभू मोर निकालते हुए हमें पाइप के रास्ते से ही उतार दिया टैंक में। वो फंसा हुआ मोर, अब उसको निकालने की कोशिश करते हुए देखिए मोर कितना प्यारा जानवर है। क्या हो गाइस, रेस्क्यू हो गया है। सो मोर को हमने रेस्क्यू कर लिया था, बट एक्चुअली काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से मोर से उसके पैर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे, उससे उठा नहीं जा रहा था। बेसिकली वो नीचे ज़मीन में बैठ जा रहा था, पर जो उसके पैर थे वो मतलब उन पे स्टैंड नहीं हो पा रहा था पानी के अंदर रहने इतनी देर रहने की वजह से। सो उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या। क्या दिखाना मेरे वाला है, चल उठ गया ना, ये बड़ा टाइम है भैया। उड़ गया तोड़े को होगा नहीं, तोड़े को होगा नहीं तो भी फड़े है ना ये ता। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने काफी कोशिश करी कि मोर उड़ जाए, बट वो नहीं उड़ रहा था। तो वो उड़ नहीं रहा था, बट जब पापा उस मोर के पास जा रहे थे तो वो उनकी तरफ ऐसे भाग रहा था चोंच मारने के लिए। सो ऐसा कुछ हो रहा था। हमने काफ़ी ट्राई करी कि वो मोर उड़ जाए, बट वो नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि उसके पैरों में जान नहीं थी। वो देखो वे कितनी चीज है हमारी भी, तो भी जरूरी है ना, तो नहीं अंदर बैठा। सो गाइस मोर जो था वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था। सो हमने काफ़ी कोशिश कर ली थी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ा। रात हो रही थी और बज चुके थे, तो 6 बजने की वजह से हमने ये सोचा कि घर ले जाते हैं। पहले तो हमने सोचा कि घर लेके जाते हैं, बट घर में ये था कि इतने सारे लोगों को देख के वो वैसे ही डर जाता, वो पहले ही डरा हुआ था। तो हमने डिसाइड किया जो हमारे खेत हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवा रखी है, सो हमने सोचा कि वहाँ पे उसको रात को वहाँ छोड़ देंगे और बाहर से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ऑन कर देंगे ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर अंदर ना आ सके। सो फिर हमने उसको वहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद हमने उसके लिए कुछ खाने के लिए जो चरी के जो दाने से होते हैं वो रख दिए ताकि वो खा ले। और हमने ये डिसाइड करा था कि सुबह रात को वहाँ छोड़ देंगे उसे, सुबह तक देखेंगे अगर वो उड़ जाता है तो ठीक है, नहीं उड़ेगा तो फिर आगे का जो रेस्क्यू था वो करेंगे। बट लकीली जब हम सुबह वहाँ गए तो मोर उड़ चुका था। सो और हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। सो कुछ इस प्रकार से हमने मोर था जो उसका रेस्क्यू करा। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और हमारे सब्सक्राइब कर देना ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।